हेलो, तो मैं अभी अपने घर पे हूँ। ये मेरा घर प्रायरी हॉल। ये अपने आप में एक अजीब सा चीज़ है। जैसे आपको इंटरनेट पे इनके वेबसाइट पे दिखाया जाता है कि यहाँ आने के बाद आपकी लाइफ कितनी रंगीन हो जाएगी, कितनी बेहतरीन हो जाएगी, जो पहले सड़ी हुई थी अब दूसरे लेवल पे आ जाएगी, वो सब कुछ झूठ है। कुछ नहीं, बस सिर्फ झूठ है। आपके ऊपर आप कैसे दोस्त खुद से बनाओगे? मुझे आए यहाँ पे 2 महीने हो गए और मुझे यहाँ पे कोई बंदा दिखता नहीं है। खबर में ये बात है कि ये 80% खाली है। कि ये खाली है तो हमारे पास बहुत ही वक्त है, बहुत ही जगह है आपको दिखाने के लिए। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ प्रायरी हॉल दिखने में कुछ कैसे है। हम निकले अपने रूम के बाहर। ये हमारा खाली डोर्स, बहुत आवाज़ करते हैं डोर। ये अपना छोटा सा मिनी बालकनी है। ये आपका किचनेट है। आपको यहाँ पे अपना किचन मिलता है जो इससे इतने लोग शेयर करते हैं, जिसमें से 80% कोई नहीं रहता, बस इन दो तीनों में रहते हैं लोग। और वन ऑफ दोज इज मी। किचनेट, आपको एक माइक्रोवेव, हाथ पैर धोने के लिए वो है आपके पास, डस्टबिन है, एक दरवाज़ा है जो कभी खुलता नहीं, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या है। लेकिन यहाँ पे ये लोग लिख के रखते हैं नाम, किन किन लोगों ने सफाई किया इसकी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन एक कंप्लेन है बेचारे को, डू नॉट यूज़ द केटल टू बॉइल एग्स एज दिस बर्न्स द केटल आउट। मतलब लोग यहाँ पे भी हरामी है, बट हमारे पास क्या है, फ्रिज, जिसमें से तीन काफ़ी कुछ खाने को मिल जाएगा, दूध दही तो सब कुछ। लेकिन ये ऑफकोर्स ये सब मेरा नहीं है, मैं सब कुछ नहीं खा सकता। इंसान को खाना अच्छा नहीं है क्योंकि ये मेरे नहीं है, अगर मैंने इसे खाया तो गलत बात है, हराम हुआ, विच इज़ वेरी बैड। तो अभी हम आ चुके हैं दूसरे सेक्टर में। ये है हमारा स्टेयरकेस हमारे पीछे, और मैं इस स्टेयरकेस पे चढ़ के आ गया सेकेंड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर, फोर्थ एंड फिफ्थ, फिफ्थ तक लास्ट है, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ में कोई रहता नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बोला, प्रायरी हॉल बहुत खाली है, बहुत ही एम्प्टी है, बिल्कुल मेरे जैसा।